फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में फर्स्ट टी20 मैच खेला जाएगा। साथ ही में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टी20 मैच खेला जाएगा तो दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस कर सकती है। तो हम इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। एक चीज़ मैं आपको पहले से बोल देता हूँ कि ये फर्स्ट मैच खेला जाएगा, तो आप इस मैच में इन्वेस्ट जो है कम से कम करना, क्योंकि ये मैच आपके लिए रिस्की रहने वाला है। इस मैच में दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस कर सकती है, लेकिन मैंने आपके लिए 95% सेफ टीम बनाने की कोशिश की है, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा और आप आसानी से स्मॉल लीग या हेड टू हेड लीग विन कर सकते हो। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और एक मैंने न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है फैंटेसी टीम 11। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल की लिंक मिल जाएगी, हो सके तो भाई उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो अगर अब तक भाई आपने टेलीग्राम ग्रुप जो नहीं किया तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ऐसे मैच में न्यूज आती रहती है। अगर मैच से एक मिनट पहले भी न्यूज आएगी तो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, और आपको इस ग्रुप में स्मॉल लीग, हेड टू हेड की लीग और ग्रैंड लीग, ये सारी लीग की टीम भी आपको इसमें अवेलेबल मिलेगी हर मैच की। तो आप जल्दी से जाके इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। हम आगे बात करने वाले ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम बनाई और मैंने आपके लिए सेफ टीम बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करने वाले विकेट कीपर सेक्शन के लिए, जो दो आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, मार्टिन और एलिशा हेली। एलिशा हेली ओपनिंग बैटिंग करती है और मार्टिन जो है फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आती है। दोनों ही आपके लिए सेफ ऑप्शन है और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेकिन मैंने अपनी टीम में हेली को लिया है। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी टीम में मार्टिन को भी पिक कर सकते हो। बात करते हैं हम आगे बैट्समैन सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम में लिया सुजी बेट्स, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, मैकग्लेनिंग, एमी, और मैंने अपनी टीम में यहाँ पे लिया है मैडी ग्रीन को। ये भी ठीक ठाक बैटिंग कर सकती है और इनके पॉइंट भी कम, इसलिए मैंने अपनी टीम में इनको लिया है। अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके लिए बेथ मुनी का एकदम सेफ ऑप्शन है। आप अगर कहीं से पॉइंट मेंटेन कर पाओ तो आप इन्हें अपने एक टीम में जरूर से पिक करना, बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेयर है। हीचेल आपके लिए सेफ ऑप्शन है। एलिशा विलन ही आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाली है। जेट वेटकिंग मुझे लगता है 90% आपके लिए इस मैच के लिए एकदम सेफ रहने वाली है। बात करते हैं हम आगे ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, तो मैंने तीन बेस्ट ऑलराउंडर को अपनी टीम में लिया है, सोफी डिविन, एलिसे पेरी और गार्डनर। तो इन तीन ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में लिया है। सोफी डिविन जो ओपनिंग बैटिंग करती है और साथ में पूरे ओवर करती है, तो ये आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। एलिसे पेरी भी सेकंड डाउन या थर्ड डाउन बैटिंग करने आएगी, और गार्डनर भी बहुत ही अच्छी बैट्समैन और साथ में अच्छी खासी बॉलिंग भी कर सकती है। अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके लिए एमिली केर एकदम सेफ ऑप्शन है। अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हो, और डेलिसा भी आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाली है। बात करते हैं हम आगे बॉलिंग सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैंने कास्प्रक, मेगन और जेंसन, तो इन तीन बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया, और यही तीन बॉलर मुझे लगता है आपके लिए इस मैच के लिए सेफ रहने वाले हैं। बाकी सारे प्लेयर्स आपके थोड़े बहुत रिस्की हो सकते हैं, तो आप अगर ग्रैंड लीग खेलते हो तभी आप अपनी टीम में यहाँ से ली ताऊ को पिक कर सकते हो, मुझे लगता है ये इस मैच में खेल सकती है, और कैरी के भी इस मैच में ज़्यादा चांसेस रहने वाले खेल लेंगे। तो हम करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में, तो मैंने अपने टीम में कैप्टन रखा है सोफी डिविन को। इनको मैंने कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि ये एक तो ओपनिंग करती हैं और चार ओवर पूरे करेगी, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। और वाइस कैप्टन मैंने अपनी टीम में बनाई गार्डनर को, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है और साथ में पूरे ओवर करती है। अगर आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो तो आप अपनी टीम में सूजी बेट्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। मैकग्लेनिंग भी आपके लिए वाइस कैप्टन की बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। मैडी ग्रीन भी आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। एमी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और आप अपनी टीम में एलिशा हेली को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और आपके लिए एलिशा पेरी भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस हो सकती है। तो ऐसे अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप अपनी टीम में अपने कॉम्बिनेशन हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो। तो टीम को करते हैं सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू के बारे में, तो ये मेरे स्मॉल लीग और हेड टू हेड का फाइनल प्रीव्यू रहेगा। इसी टीम के साथ मैं ये दोनों में से कोई एक लीग खेलने वाला हूं, तो आप भी इस मैच में कम इन्वेस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके लिए रिस्की मैच रहने वाला है। दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस कर सकती है, तो हो सके तो आप इस टीम के साथ खेलने की कोशिश करना। बाकी ये टीम भी 100% सेफ टीम नहीं है, ये 95% ही सेफ टीम है। हो सकता है 5% जो है किसी भी प्लेयर को बैठा के किसी भी प्लेयर को मौका दिया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरा न्यू चैनल है फैंटेसी टीम 11, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप भाई उस चैनल को भी याद से
सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर अब तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि एकदम फ्री में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।